नेपाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पपला गैंग व जसराम गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार किया है। हथियार तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 3 हथियार तस्करों को अवैध हथियार सहित धर दबोचा है। जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर साकिर हुसैन ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर टोंका नगर पुल पर नाकाबंदी करते हुए एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक जिनकी पहचान जिला अलवर राजस्थान के रहने वाले मोनू नरेंद्र और मंजीत को काबू किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 देसी कट्टा, 315 बोर व 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गहन पूछताछ में आरोपियों ने ये भी बात कबूली है कि वो अवैध हथियार गांव भंडियारा राजस्थान से लाते थे और हथियारों की डिमांड होने पर उन्हें सप्लाई करते थे। इतना ही नहीं, आरोपियों के तार पपला गुज्जर व जसराम गैंग से भी जुड़े हैं। डीएसपी का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। जिला पलवल के एसपी श्री लोकेंद्र सिंह के दिशा निर्देश अनुसार जो इलीगल वेपन्स के खिलाफ मुहिम चलाई हुई है उसके एक संदर्भ में डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज अनीस खान की टीम ने 29/5 को नाकाबंदी के दौरान टोंका गांव है हथियार अपने उटावर थाने के अंदर वहां पर नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्तियों को पकड़ा जिनमें नरेंद्र, मोनू, मंजीत, जिनकी तलाशी के दौरान नरेंद्र से 3 कट्टे और 7 राउंड 315 बोर के और मोनू से 2 और मंजीत से 2 राउंड तो ये बरामद हुए। बरामद होने के बाद उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ पर जो ये नरेंद्र है, नरेंद्र बहरोड का रहने वाला है जो पपला गुजर गैंग से संबंध रखता है और उनके साथी जसराम को हथियार सप्लाई करता है और वो ये हथियार जो उन्होंने सप्लाई करता है तो नरेंद्र पपला गुजर गैंग की उनको यूज किया है। तो नरेंद्र के पास आसपास के थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें हमारे महेंद्रगढ़, नारनौल, डींग, भरतपुर, इनमें काफी वारदातों में शामिल है जो इलीगल वेपन्स की हैं और लूट वगैरह की वारदात है कुछ झगड़े की। ये राजस्थान में भंडियारा गांव है, भंडियारा गांव से वहां से और उससे पहले ये हाथिया का वगैरह गांव है राजस्थान में वहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं और रिमांड के दौरान नरेंद्र से अभी 2 कट्टा और बरामद हो चुके हैं, टोटल 5 कट्टे हो चुके। हर जगह सोर्स है जहाँ से वो लाते थे, हर उस आदमी को अरेस्ट किया जाएगा और वहाँ से रिकवरी। गौर करने वाली बात ये है कि पपला गैंग ने हरियाणा व राजस्थान में हत्या, जानलेवा हमला, चोरी जैसे संगीन अपराधों की 17 वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। गैंग में करीब 40 गुर्गे शामिल हैं। पलवल से रुस्तम जाखड़, पंजाब के सिटी टीवी।